नमस्कार, इंडिया का एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। मी टू, जी हां, इस नाम से इन दिनों भारत में हड़कंप मचा हुआ है। घर की चार दीवारी से लेकर ऑफिस में महिलाओं का सामना न जाने कितने ऐसे लोगों से होता है जिनकी आंखों में ना शर्म होती है ना हया। वो रोज अपने सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन करने वालों की भी कोई कमी नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। अगर महिलाएं आवाज उठाएं तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं, पूछा जाता है सबूत दो। वो अगर कुछ ना बोलें और आंखें बंद कर सब कुछ सहती रहें तब भी वो महिला ही सवालों के घेरे में आती है। आखिर कब तक? मीटू की ये लड़ाई क्या आरोपियों को सजा मिलने की गारंटी दे पाएगी? क्या वो तमाम लोग जिनकी आंखों में लालच है, नजरों में खोट है, उनकी आंखें शर्म से झुकेंगी? क्या गिव एंड टेक के जाल में फंसाकर पुरुष समाज महिलाओं का शोषण करना बंद कर देगा? इंडिया का एजेंडा में आज हम इसी संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मीटू कैंपेन के बाद कितनी बदलेगी तस्वीर, या सिर्फ ये एक कैंपेन बनकर रह जाएगा। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक पैनल मौजूद है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शीतल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं इस मामले को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने जब अपने 10 साल पुराने मामले को मी टू कैंपेन के तहत फिर से उजागर किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस कैंपेन में एक के बाद एक करके इतने लोगों के चेहरे सामने आएंगे। तनुश्री के बाद कई महिलाएं सामने आईं और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और शोषण की कहानियां बयां की। मी टू के लपेटे में ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीति, खेल जगत और पत्रकारिता से जुड़े लोगों पर भी छींटे पड़े। तनुश्री नाना पाटेकर पर एफआईआर भी दर्ज करवा चुकी हैं। ये 10 साल पहले जो बोला था वही बोला। क्या बोलना? कल जो सच था वो आज सच है, आज जो सच है वो कल सच ही रहेगा, वो तो बदलते नहीं। बॉलीवुड में संस्कारी बाबूजी के नाम से फेमस आलोक नाथ पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। आलोक नाथ के अलावा फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई, साजिद खान, विकास बहल पर भी अलग अलग महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। सिंगर कैलाश खेर पर भी अश्लील हरकत करने के आरोप लगे। यही नहीं, बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी पर काम के एवज में यौन उत्पीड़न की चाहत रखने के आरोप लगे। मी टू कैंपेन और आगे बढ़ा तो इसकी चपेट में केंद्रीय मंत्री और पूर्व पत्रकार एमजे अकबर का नाम सामने आया। अकबर पर पत्रकार प्रिया रमानी ने इंटरव्यू के दौरान गलत हरकत करने के आरोप लगाए। एमजे अकबर पर प्रिया रमानी समेत दर्जन भर महिलाओं ने अश्लील हरकत के आरोप लगाए। इसमें दो विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं। इसके बाद एमजे अकबर पर इस्तीफा देने का दबाव बनने लगा, लेकिन विदेश दौरे पर वापस आकर अकबर ने इस्तीफा नहीं दिया। एमजे अकबर ने अपनी सफाई में कहा, बिना सबूत के आरोप लगाने का चलन कुछ सेक्शंस में वायरल हो गया है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले ये तूफान क्यों उठा है? क्या कोई एजेंडा है? आप ही फैसला करें। इन झूठे, आधारहीन और मनगढ़ंत आरोपों ने मेरी साख को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहरहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना विकेट बचा लिया है। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। सवाल है, मीटू कैंपेन से हमारे समाज में कितना बदलाव आएगा? कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी होगी, या ये सिर्फ कुछ दिनों का कैंपेन बनकर रह जाएगा? टीम न्यूज़ ऑल इंडिया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। सवाल ये कि मीटू कैंपेन से वास्तव में कितनी स्थिति बदलेगी? जिन पर आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी? नैतिकता के आधार पर एमजे अकबर का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नाना पाटेकर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में है। मीटू कैंपेन जोर शोर से शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होने के बावजूद अभी तक कोई भी सलाखों के पीछे नजर नहीं आया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव का। अकुश श्रीवास्तव जी, ये जो मीटू कैंपेन शुरू हुआ, इसमें एफआईआर अभी तक सिर्फ नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज हुई, इसके अलावा जितने लोग एक्यूज्ड हैं, आरोपी बने हैं, उन्होंने खुद पीड़िता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में क्या लगता है, मीटू कैंपेन से क्या तस्वीर बदलेगी?
नहीं, मी टू कैंपेन जिस उद्देश्य के साथ आज से लगभग 10-12 साल पहले शुरू हुआ था और अब जिस रूप में सामने हमारे देश में है, उससे निश्चित रूप से कुछ हो ना हो तस्वीर बदलेगी, जागरूकता होगी और लोग कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे जरूर। एक ये बड़े पूरे समाज में अगर आप इसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं और जिस तरीके से ये मीडिया में पूरी तरीके से शामिल आ रहा है, चीज़ें शामिल हो रही हैं, उसमें एक जागरूकता तो बढ़ी है। और इस ये मी टू कैंपेन का मेरे ख्याल से एक बेसिक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य शायद इतना बड़ा ये नहीं है कि आप इसका उद्देश्य ये मूल रूप से शायद नहीं है कि सजा दिलाई जाए। इसका उद्देश्य ज्यादा मुझे लगता है वो ये है कि एक जागरूकता हो लोगों में। एक देखिए सर, जो पीड़िता सामने आ रही है मीटू कैंपेन में अपनी आवृत्ति सुना रही है, भड़ास निकलती है उससे, अकुश श्रीवास्तव जी, ये तो नहीं लगता कि ये सिर्फ जागरूकता के लिए है? ये जागरूकता सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके साथ इस तरह के हादसे नहीं हुए, जिनके साथ हादसे हुए हैं वो चाहेंगे कि उन्हें इंसाफ मिले, शायद इसलिए अब हिम्मत जुटाकर वो लोग सामने आकर कुछ बोल रहे हैं। आपने जो बात कही उसी पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर शिल्पी जैन भी हैं। शिल्पी जी, एक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विशाखा गाइडलाइंस में यही साफ तौर पर कहा गया था कि वर्क प्लेस पे औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई भी चीज ना हो। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की, विशाखा कमेटी बनी, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते हैं। और मामले देखिए मीटू कैंपेन शुरू होने के बाद इतनी तादाद में सामने आते हैं। विशाखा गाइडलाइंस का जो जजमेंट था उसके बाद अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक लॉ बन चुका है, जिस जो पूरी तरह से परफेक्ट है अपने आप में एक्शन लेने के लिए। मगर मैं ये कहूंगी कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो एक्ट है या विशाखा गाइडलाइंस भी, ये ज्यादा एक अगर ऑफेंस हो जाए तो उसके बाद क्या रेमेडी है, क्या इंक्वायरी होगी, क्या होगा ऑफेंस होने के बाद, ऑफेंस को प्रिवेंट करने का ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता है उसमें लॉ में कोई ऐसा सेक्शन है या नजरिया भी है। उसके लिए हमें सोशल चेंज लाना पड़ेगा। अब आजकल इस मी टू कैंपेन में हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वेमेन आर स्पीकिंग अप, पर हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हमें उन केसेस को डिस्करेज करना पड़ेगा जो मोटिवेटेड हो सकते हैं, जो आउट ऑफ रिवेंज या टू सेटल स्कोर्स हो सकते हैं। उसमें लॉ में सेफगार्ड है कि अगर क्रिमिनल लॉ में ये केसेस कोर्ट में जाएंगे, पहली बात तो सिर्फ रेप केस में लिमिटेशन नहीं है, जो ऑफेंस 3 साल तक की सजा का है, जैसे 354 अगर सिर्फ चैट में एक्सचेंज हुए हैं मैसेजेस, क्रिमिनल फोर्स नहीं यूज करी है, उनकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा नहीं है, तो उसमें लिमिटेशन है 3 साल की फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस, तो वो लिमिटेशन से हिट होंगे। रेप केसेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर उनमें भी आप एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि कोर्ट्स में अगर ये केसेस पहुंचते हैं तो ऑफेंस होने के बाद कब आपने कंप्लेंट करा, एवरी आर डिले जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और वो अक्यूज्ड के फेवर में जाएगी और आपके अगेंस्ट जाएगी। जी, यानी कि बहुत लंबे समय बाद जो महिलाएं शिकायत कर रही हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेरे साथ मॉडल और एक्ट्रेस मरीसा वर्मा जी भी हैं। मरीसा, आप एक खुद मॉडल हैं और ज्यादातर जो शिकायतें आई हैं वो बॉलीवुड से आई हैं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से शिकायतें आई हैं। आपने अपने आसपास कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा? और जो लड़कियां मीटू को लेकर आवाज उठा रही हैं उनको लेकर आप क्या कहती हैं? ये तो मैं तो ये बोलूंगी बॉलीवुड में ये सब चीजें पहले से है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने सुना था, फिर होता है कि ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इसके लिए कोई लोग डरते हैं बाहर जाके बात करने में। लेकिन हाँ, हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि ऐसा है, ये सबको पता है, लेकिन इसका कुछ एक बड़ा लॉ नहीं बन रहा। जैसे इतनी सारी बातें हो रही है, लॉ बन रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही है कि अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जो बॉलीवुड में आता है उसको ऑलरेडी रहती है कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में, तो ये सब है ऑलरेडी। और मुझे जहाँ तक पता है जो नए न्यू कमर आते हैं वो इसको ज़रूर फेस करते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो ये ग्लैमर, एक्चुअली बॉलीवुड क्यों इतना ज़्यादा आया,
लाइम लाइट में, बिकॉज ग्लैमर है ना, बिकम अ फायर, तो आज वो फायर की तरह ही ये एक दूसरे पे लग रहा है, जो कि आज इफेक्टेड भी है, बड़े बड़े लोग इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं। ये अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबके ऊपर आप नाम रख सकते हैं, कोई भी बचेगा नहीं इस मीटू से। लेकिन इसका एक है कि आप सब पे कीचड़ डालते जाएंगे, लेकिन उसका हमें रिजल्ट क्या आना यही, है यही इस, हम यही डिबेट का, यही इस चर्चा का मुख्य विषय है कि आखिर इसका नतीजा क्या है। मेरे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा भी बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ये जो मीटू कैंपेन सामने आया है शीतल जी, क्या इससे लड़कियों के हौसले बुलंद होंगे, वो आगे जाके केसेस दर्ज करवाएंगे? क्योंकि केस अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मामले में दर्ज हुआ, बाकी जो भी मीटू कैंपेन के तहत आरोप लगाए गए हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। पल्लवी, इसे हम मीटू कैंपेन को किसी भी सूरत में ये ना देखें कि ये कोई ऐसा माध्यम है जिसमें कि अगर आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं तो सीधे उसके खिलाफ कोई केस हो जाएगा, ये कुछ और किसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा। कानून एक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, कानून के अपने प्रोसेस होते हैं जिसके तरीके से किसी भी आरोपी को यथा सजा दी जाती है जितना आरोप है उसके अनुसार। बट जो मी टू कैंपेन है, सबसे पहले ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया के ज़रिए जिसमें हमें ये देखना है कि जो औरतें या महिलाएं या लड़कियां, जिसको जिसको भी कहिए, महिला वर्ग हर उम्र का लगा लीजिए, जो भी मानसिक शारीरिक यौन किसी भी तरीके शोषण से उत्पीड़ित थी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था अपने को कहने का। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बड़े भाग्य के विडंबना समझ लीजिए या सामाजिक संरचना समझ लीजिए कि जब किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है, हमारा समाज उसमें या तो उसको चुप रहना सिखाता है या उसको बोलने के प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते। बोला भी जाए तो उसको बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता है कि क्या ये आपने खुद इनवाइट किया या ये किसी तरीके से आप खुद इसमें फंस गए हैं, या जैसा एक बहुत ही विवादित बयान आया है कि महिलाएं तरक्की पाने के लिए करती हैं। कहीं पे भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि महिलाओं को पहले स्क्रूटनी में डाला जाता है और बाद में ये देखा जाता है कि उनके बयान में कितनी सच्चाई होगी। तो कोई भी अगर शर्म के कारण इस चीज को नहीं बोल पा रहा है, तो पिछले साल तक ये जो प्लेटफॉर्म है मीटू का, ये एनोनिमस था। आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं थी कि आप कौन है या किसने आपके साथ किया, बस आप अपनी एक भड़ास जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन या हिडन जो आपका वो था, लेकिन ये छुपकर भड़ास निकालना कहां तक सही है, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई छुपकर, हो सकता है किसी बात को लेकर कोई बदला ले रहा हो, अब सामने आकर जब नाम ले रही हैं महिलाएं, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आता है। अकुश श्रीवास्तव जी, जैसा डॉक्टर शीतल ने भी कहा कि आपके आसपास के लोग ही आवाज दबाने के लिए बोलते हैं कि अपनी आवाज दबा लो, जिसमें जो ये केसेस सामने आए, इसके बाद अगर आपने हिमानी शिवपुरी को पढ़ा हो तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो आलोक नाथ के बारे में इस तरह की बातें करते थे, लेकिन मेरे साथ आलोक नाथ ने कुछ नहीं किया। साजिद खान के किस्से में भी इसी तरह की बात सुनने को आई है, कुछ लड़कियां हैं जो कह रही हैं हमारे सामने होता था लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में तस्वीर बदलेगी कैसे? ये तो एक तरह से बीमार मानसिकता है। नहीं, बीमार मानसिकता है, देखिए किसी भी चीज को इसमें बहुत वेग या बहुत ही अनिश्चय की स्थिति में नहीं देखा जा सकता। एक अगर आरोप लगाया जाता है और आरोप के बाद में जब चीजें कही जाती हैं, तो उसका कहीं आधार कानूनन देखेगा। सामाजिक रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी हवा चल रही है जिससे लोग डरेंगे। मैं फिर कह रहा हूं इसको, ये एक जागरूकता के बड़े अभियान के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर जब कानून के तौर पर बात आएगी, जब कुछ आपके पास सबूत नहीं होगी, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, हम भी कह रहे हैं, बाकी और कानून विज्ञ भी कह रहे हैं, बाकी तब भी यही बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है, हिम्मत आ रही है इससे लोगों में। इससे क्या हो रहा है, लोग आगे विरोध करना सीख रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि कोई कुछ कहे और आप उसके लिए राजी हो जाएं। और कहने वाला जो बदनाम इंडस्ट्री है, जितनी भी ग्लैमर की इंडस्ट्री है या मीडिया भी कुछ पार्ट है, अभी आप देखिएगा राजनीतिक जो है, अमजे अकबर के अलावा बाकी लोग बचे हुए हैं। जो राजनीति में ऐसा होता नहीं है, ये नहीं है, राजनीति में भी ये खूब होता है, और हम अखबार वाले तो बहुत सारा जानते भी हैं कि कौन कहां कैसे क्या करता रहा है। लेकिन इसका विरोध एक सामाजिक रूप से होगा, इंडिविजुअल रूप से जब महिलाएं करना सीख रही हैं, उसको बहुत अच्छी बात है। सर, और फिर उसको जो अगल बगल के लोग हैं जो पहले ये कह देते थे कि मेरे साथ, एक मिनट, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के साथ हो रहा था, तो अब बगल वाली भी महिलाएं बोलेंगी कि ये गलत हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मानसिकता है ना, कि लड़कियों को एक हताशा का सामना करना पड़ता है,
उन्हें शांत बैठना पड़ता है, उन्हें पता है कि अगर वो जाके बोलेंगी तो चार लोग सामने आएंगे और बोलेंगे कि तुम गलत हो, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। ये बोला जाता है ना कि तुम्हारी पब्लिसिटी, तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगी इसलिए तुम ये कर रही हो। अब नहीं, अब दूसरी चीज होगी, अब अगर किसी लड़की के साथ या महिला के साथ ऐसा होगा तो अगल बगल वाले या उसके सहयोगी या उसके साथी उसको टोकेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मानसिकता में इतना भी बदलाव इस मीटू कैंपेन से आता है तो सुप्रीम कोर्ट से द्वारा शिल्पी जैन मेरे साथ बनी हुई है लगातार। शिल्पी जी, जो अब तक महिलाओं को लेके कानून बने कि वो इस तरह के यौन शोषण का शिकार ना हो, क्या वो कानून बेअसर रहे? देखिए, कानून में कोई कमी नहीं है। अगर आप कोर्ट तक जाएंगे ही नहीं या कंप्लेन नहीं फाइल करेंगे, आप कानून को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। आप अगर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसको पवर्ट कह रहे हैं, तो इतना आपको हिम्मत इतनी तो जुटानी पड़ेगी कि आप पुलिस स्टेशन तक जाएं या वहां तक कंप्लेन भेज दें। उसका और कोई रेमेडी नहीं है। आजकल आप जानते हैं 24/7 मीडिया है जो अभी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आप को क्या लगता है जो लड़कियां आकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं, बाकायदा नाम बता रही हैं कि हमारे साथ इस शख्स ने ऐसा किया, वो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच रही, क्यों? ये देखिए, मेरे को ये लगता है कि अगर रेप जैसा ऑफेंस हुआ है, ये जो लड़कियां जिनको अभी हम आज मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं, ये गांव की अनपढ़ गंवार लड़कियां नहीं है, ये ऐसी लड़कियां हैं जो टोटली अवेयर हैं, बोल्ड हैं, आई थिंक द बोल्डेस्ट इन द कंट्री। वो ही मीडिया उसमें ग्लैमर वर्ल्ड में जाती हैं, पिक्चर्स में आती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है और कुछ रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी है, स्टेक्स भी हैं। तो ये वाली लड़कियां उस कैटेगरी में नहीं है कि ये कमजोर हैं या शर्म इनको बहुत ज्यादा आती है या पर्दे के पीछे, वो बुर्के के पीछे छुपी रहती है, ऐसी कैटेगरी में नहीं है। अब ये अगर नहीं जा रही है इमीडिएटली, लड़कियों को इनको शर्म नहीं आती, एक महिला आपने बारे में कोई इस तरह की बात अगर सार्वजनिक तौर पे कह रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई। तनुश्री दत्ता का केस लीजिए, 2008 में उन्होंने केस फाइल किया था लेकिन पुलिस ने कहा इस मामले को दबा दीजिए, फिर वो 10 साल बाद आई, मीडिया फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ दी, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि उन लड़कियों को बिल्कुल किसी तरह की शर्म नहीं है या ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती? यही तो मानसिकता है हमारे देश की। क्यों? देखिए, आप एक जनरलाइज कर सकते हैं, मेजॉरिटी केसेस वो हैं, पर आप एक जनरल पिक्चर ऐसी नहीं पिक्चर पेंट कर सकते हैं कि सारे केसेस जो भी हैं वो सच हैं और जितने भी एलिगेशंस हैं सब सच हैं। उनको लॉ की स्क्रूटनी में आना ही पड़ेगा, यही लॉ है। हमारा कैंगरू कोर्ट नहीं है, ना हम अपना एक परसेप्शन मीडिया के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जज को 4-5 साल लग जाते हैं सच्चाई पर पहुंचने में। आप 2 सेकंड में मीडिया वाले ये कह देंगे ये एलिगेशन सच है, झूठे, ऐसे नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक जज को पूरा मीडिया वाले ये नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा अच्छी तरह नहीं पता चल सकता। मीडिया वाले ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, क्या झूठ है। मीडिया वाले कभी भी किसी को दोषी नहीं बोलते हैं, आरोपी बोलते हैं। मीडिया का काम है सिर्फ आप तक सच्चाई पहुंचाना, जनता तक सच्चाई पहुंचाना। ये कानून ही तय करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल ये है कि आम जनता जो हमारे देश की है वो ये क्यों सोचती है कि इस लड़की ने सच नहीं बोला होगा? अंकुश श्रीवास्तव जी, ये बड़ा सवाल नहीं है क्या? नहीं, ये निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि कोई लड़की अगर खुल के सामने आती है और लड़की है और उसको समाज के डर हैं, तो उसमें इतनी हिम्मत करके अगर वो कहती है मेरे साथ होगा हुआ है तो जरूर बड़ी बात है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर एनोनिमस होता है, सोशल मीडिया पे बिना किसी आइडेंटिटी के किसी एक बड़े आदमी पर आरोप लगा दिया जाता है तो उसका भी कोई दम नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उसके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं कि 10 से 12 हो गए, 12 से 15 हो गए, 15 से 20 हो गए। लेकिन ये जरूरी होगा कि वो आरोप अगर हैं और जरा सी भी उसमें आपके पास उसके सबूत हैं तो उस पर सामने आना पड़ेगा। जैसे कि कहा गया, कानूनन निश्चित रूप से उसको एक कागज पे लाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उसकी एक शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर होगा
कि उस आदमी को आज मतलब अगर ये देखा जाए तो शायद एमजे अकबर के साथ अब फोटो खिंचाने वाले लोग कम हो जाएंगे। एमजे अकबर की जो मानहानि हुई है और जो उन्होंने कर्म अगर किए हैं, एक मिनट, कर्म जो किए हैं उसकी सजा उसे समाज तो दे ही रहा है, कोर्ट कब देगा ये एक वक्त की बात होगी। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो मीटू कैंपेन है उसका असर कानूनी तौर पर बाद में होता रहे, लेकिन अभी जिन लोगों के नाम आए हैं कम से कम उन्हें वो बदनामी झेलनी पड़ रही है। मॉडल और एक्ट्रेस मरीसा वर्मा भी मेरे साथ बनी हुई है। मरीसा, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक महिलाएं आके किसी पर आरोप लगा रही हैं, इन आरोपों में सच्चाई है या सच्चाई नहीं है? आप ही की इंडस्ट्री के लोग सामने आकर ये बोलते हैं, अगर मैं आपको चार बयान गिनवा दूं चार लोगों के, कि हो सकता है ये लड़कियां सच नहीं बोल रही, ये गिव एंड टेक का मामला होता है, ये म्यूचुअल होता है, ये रेप नहीं है, इसको इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी अगर वो लोग आके बोल रहे हैं तो तथ्य सच्चाई तो ऑलरेडी है, क्योंकि अगर सच्चाई सबको पता है इंडस्ट्री में ये सब चीज़ होती है, और फिल्म नहीं सब इंडस्ट्री में होता है, ग्लैमर में ये सब चीज़ें ज़्यादा है, बिकॉज लोग को सबको काम करना है और इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं वो कैसे वहाँ पे, उनको हर अप्रोच उनकी जो रहती है उनको नहीं पता होता है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि ये गलत है सही है, हाँ कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और कुछ ये सच्चाई भी है, लेकिन वो 70-20% की होगी, लेकिन हम सच को तो नहीं नकार सकते हैं, तो 20% जो आपका 80-20 का रेशियो आप वो समझ सकते हो, इसमें फॉल्स भी लोग होंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी सब फॉल्स होंगे। का रेशियो जो आप दे रही हैं ये फील्ड ऐसी उसका है कि भी यहाँ पे ऐसी नहीं चीजें है। जी, जितेंद्र भाटी मेरे साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे एमजे अकबर को लेकर आज जो कुछ दिन भर हुआ उस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास। मरीसा, जितेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, एमजे अकबर ने आज मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है एक महिला के खिलाफ, प्रिया रमानी जिनका नाम है, इस मामले में और क्या कुछ हुआ है आज? बिल्कुल, आपको पहले भी बताना चाहूंगा कि एमजे अकबर ने जब वो कल विदेश से लौटे थे तो उनसे बात की गई, तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे बोला कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, फिर दोपहर बाद जो है तकरीबन उनके इस्तीफे की बात भी सामने आ रही थी, हालांकि बाद में उन्होंने खुद खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आधारहीन है, वो मनगढ़ंत है और इसके खिलाफ वो जो है कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। जो उन्होंने कल कहा था आज वो कर दिखाया, अपने वकीलों के द्वारा उन्होंने पटियाला कोर्ट में जो है 41 पन्नों का एफिडेविट दिया है, एप्लीकेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो तमाम जो है ये आरोप हैं वो आधारहीन है, सिर्फ प्रिया रमानी के खिलाफ इन्होंने दिया है। अगर इसमें पूरी बात करें 41 पन्नों में उन्होंने उनके ट्वीट्स, उसका कंटेंट क्या है, कहां कहां क्या खबरें छपी हैं, और जो उस वक्त जो चीजें उन्होंने पहले भी डाली थी, उनका एक आर्टिकल भी था जो एक साल पहले उन्होंने डाला, तमाम ऐसे 41 पन्नों का बना हुआ है, और कल जो है इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल यही होता है कि सिर्फ प्रिया रमानी नहीं, इनके अलावा भी जो महिलाएं हैं उन्होंने भी उन पर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ एमजे अकबर की तरफ से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की बात नहीं की गई है। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और ये भी अपने आप में एक सवाल है जितेंद्र, की कम से कम दर्जन भर महिलाओं ने एमजे अकबर पर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन उनमें से एक महिला के खिलाफ फिलहाल सिर्फ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है एमजे अकबर की तरफ से। देखिए, सवाल ये है कि जिन लोगों पर आरोप लगे वो जा रहे हैं कोर्ट में, मानहानि का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिन लड़कियों ने आरोप लगाए वो केस दर्ज करवाने नहीं पहुंच रही। बात करें तनुश्री दत्ता की, उन्होंने जरूर करवाया लेकिन उसके बाद बहुत सी लड़कियां बड़ी संख्या में बाहर आई और कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंची। क्या मीटू कैंपेन से कोई बदलाव आएगा? इंडिया के एजेंडे में हमारी यह चर्चा जारी है, चल लौटते हैं।